गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं दिए जल उठे। कौन इसकी समरी बताएगा जो अब हद तक हम पढ़ चुके हैं? एनीबॉडी एक्सेप्ट अर्शप्रीत, एक्सेप्ट रमनीक, एक्सेप्ट ईवा, एनीबॉडी एल्स? आर्यन, गगन, रिधिका, तनीषा, वत्सल, अर्पिता, हावेश, आप में से कोई बताएगा मुझे क्या कहानी अभी तक हमने पढ़ी है दिए जल उठे पाठ में, किस बारे में है, क्या पढ़ा है, कोई बताएगा? बेटा अपना ना कॉन्फिडेंस शो करते हैं और बोलना शुरू करते हैं, बताते हैं, कहीं कुछ गलत होगा तो आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं, हम उसे ठीक कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि कहाँ क्या गलती हुई है, गड़बड़ हुई है। कोई भी आप में से बताएगा? कोई? नो वन? ओके अर्शप्रीत आप बताइए बेटा। यस मैम। दिए जल उठे मधुकर उपाध्याय जी का लिखा हुआ एक पाठ है। इसमें बताया गया है कि डांडी कूच की तैयारी के लिए दांडी कूच की तैयारी के लिए वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्होंने वहां भाषण देना नहीं था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना मंजूर किया। और जब उन्होंने कहा कि अब सत्याग्रह भाइयों और बहनों की अब आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट ने उसकी मनाही का आदेश दे दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हें गिरफ्तार कर बोरसद की अदालत में लाया गया। वहां उन्हें अपना अपराध ना होने के कारण भी अपना अपराध कबूल करना पड़ा और जज को 8 लाइन का अपना फैसला लिखने के लिए 1.5 घंटा लग गया। और उन्हें फिर 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल कर दी गई और उन्हें अहमदाबाद से साबरमती जेल में लाया गया। गांधी जी यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गए थे और सब साबरमती आश्रम में उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा था कि उन्हें वल्लभ भाई पटेल को उसमें मोटर नहीं देखना पड़ेगा और वहां पर मोटर नहीं रुकेगी, लेकिन उनके वल्लभ भाई पटेल का शायद रो भी इतना ज्यादा था कि उन्हें वहां पर अपनी मोटर रोकनी पड़ी। और वह बात छोटी मुलाकात थी और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अब मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हुई और सभी ने इस बात की निंदा की। फिर जवाहरलाल नेहरू जी इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। और फिर गांधी जी नमक बनाने का संकल्प लेकर तय किए हुए दिन आश्रम से निकल पड़े थे। वहां पर एकजुट हुए बहुत बड़े जनसभा में गांधी जी ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी थी। रास में उपस्थित जितने भी दरबारी थे वह सब गांधी जी के साथ मिल गए थे। वहां पर उन्हें एक धर्मशाला में ठहराया गया था। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में गांधी जी ने बहुत भाषण दिए। फिर सत्याग्रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कनकपुरा पहुंचे। कनकपुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। और फिर वह चल पड़े। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया था। यह तय किया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा था। कुछ लोगों ने गांधी जी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वह कह रहे थे कि यह मेरी धर्म यात्रा है, चलकर ही वह पूरी करेंगे।
जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे छोटे दिए दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। हमने पढ़ना है अभी आज। ओके मैम। मैम मैंने कल रिवाइज किए थे। आपने रिवाइज करके रखा और अमनीक भी आपको थम्स शो कर रही है एंड दैट्स गुड, रियली गुड कि आपने पूरा पढ़ के रखा है, रिवाइज करके रखा है और आपने प्रिसाइज नोट्स बना के रखे हैं। आई कैन सी। अर्शप्रीत आपकी वीडियो बंद हो गई, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। अर्शप्रीत काइंडली टर्न ऑन योर वीडियो इफ यू कैन। ओके, आपने प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं अर्शप्रीत, साथ साथ में कहानी लिखी है। कैन यू शो मी लाइक दिस? ओके फाइन, गुड गुड, वेरी गुड। ओके, अगर आप लोग साथ साथ में इस तरह से रोज रोज चैप्टर रिवाइज करते रहते हैं, रोज रोज पढ़ते रहते हैं, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आई एडवाइज एवरीबडी कि बेटा साथ साथ में काम करते रहिए, साथ साथ में रिविजन करते रहिए ताकि चैप्टर्स अच्छे अच्छे से आपको समझ में आते रहे। ओके, सारी स्टोरी आप लोगों को सुनाई है अर्शप्रीत ने, दैट्स गुड। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि गांधी जी को नदी पार करवाने के लिए रघुनाथ काका को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मही नदी पार करनी थी, मही नदी पार करनी थी, मही नदी पार करवाने के लिए रघुनाथ काका को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रघुनाथ काका ने एक नई नाव खरीदी थी और उसके द्वारा गांधी जी को नदी पार करवाने के बारे में सोचा था और ऐसा करने पर सब लोगों ने उन्हें निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। निषाद राज की कहानी हमने कल समझी थी कि जब श्री राम जी अयोध्या छोड़ते हुए वनवास की ओर जा रहे थे तो उस समय उन्हें सरयू नदी पार करनी थी जो कि निषाद राज जी ने उन्हें पार करवाई थी। और सब लोगों का कहना था जिस प्रकार से निषाद राज ने श्री राम को नदी पार करवाई थी ऐसे ही रघुनाथ काका भी अब गांधी जी को नदी पार करवाएंगे। ओके, उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी। पेज नंबर 47 पर पढ़ रही हूँ, थर्ड लाइन में, लास्ट लाइन। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। अगर छोटे मोटे दिए जला भी दिए जाते, अब रात बहुत ज्यादा थी, नदी भी पार करनी थी, तो किस तरह से नदी पार की जाती, दिए जलाए जाते, है ना, लाइट्स वगैरह तो जहां वहां पर जल नहीं सकती थी। अगर दिए जलाए जाते और छोटे मोटे दिए तो वहां पर काम कर ही नहीं रहे थे। अब आप जरा ध्यान देंगे, हमारे पाठ का नाम है दिए जल उठे। ये बात जो है ये अब हम उसे रिलेट करेंगे। छोटे मोटे दिए वहां पर काम कर ही नहीं सकते थे क्योंकि अंधेरा बहुत ही घना हो गया था। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। हमने ये कल भी पढ़ा था, जब वे रास पहुंचे थे तो रास की जनसंख्या जो थी वो 3,000 थी, लेकिन 20,000 लोग जमा हो गए थे वहां पर इधर उधर के क्षेत्रों से आकर। तो गांधी जी के इस मार्च में उनका साथ देने के लिए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे और कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। नदी के दो किनारे होते हैं ना, एक ओर से जाना और दूसरी ओर नदी पार करके उतरना। तो कई हजार लोग उपस्थित हो गए थे उन्हें नदी पार करवाने के लिए, जिनके हाथों में दिए थे ताकि रोशनी की कमी ना हो और आसानी से नदी पार की जा सके। रात के अंधेरे में, घने अंधेरे में, उसके लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए नदी के दोनों किनारों पर और उनके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे मही सागर नदी का किनारा भर गया।
पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसे लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। प्रतिध्वनि क्या होता है? जब हम कोई आवाज बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो उसकी आवाज वापस हमारे तक आके इको होती है। आवाज इको जब होती है उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। ओके, तो ऐसे लग रहा था मानो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो, सब ओर से नेहरू की जय, गांधी की जय, सरदार पटेल की जय के नारे सुनाई दे रहे थे। बार बार लोग नारे लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो, कोई पहाड़ की घाटी हो जिस पर से प्रतिध्वनि सुनाई दे रही हो। मही सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, वैसी ही स्थिति थी जैसी ही सौर थी, उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी पहुंच गए तो लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए। नहीं, गांधी जी पार उतरे, विश्राम करने के लिए चले गए, तो उसके बाद बाकी सत्याग्रहियों को भी, जो उनके साथ लोग थे, उन्हें भी नदी पार करनी थी, उनके लिए भी लोग दिए लेकर खड़े रहे। सभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उस रात लोग दिए लेकर, दिए जलाकर पूरे किनारों पर, दोनों किनारों पर खड़े रहे और रात भर लोगों को नदी पार करवाते रहे और दिए जल उठे थे। ओके, इज इट क्लियर? चैप्टर क्लियर हुआ सबको? सिर्फ ईवा और रमनीक को क्लियर हुआ, बाकी लोगों का थम शो नहीं हो रहा मुझे। हर्षप्रीत, ईवा, रमनीक, बाकी आर्यन, इज इट क्लियर टू यू? ओके, कीर्ति मावत्सल, गगनदीप, इज इट क्लियर टू यू? मैं सबका नाम ले लेके पूछूंगी ना, तब आएगा कि मुझे मुझे मुझे। गगनदीप, गगनदीप आप खो गए शायद। तनीषा, ब्रिजेश, हावेश, आप तीनों का थंब नहीं आया। ओके, हावेश, हावेश इज देयर और नॉट? मुझे सबका नाम ले लेकर पूछना पड़ रहा है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और मुझे बताएं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जबकि आपको खुद ही कम से कम अपना थंब शो कर देना चाहिए, फिर प्रेजेंस दिखानी चाहिए कि हम क्लास में हैं और आपको सुन रहे हैं। धन्यवाद मेरे कहने पर थंब दिखा देने के लिए। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? किस कारण से प्रेरित होकर कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? फिर वही दो हाथ खड़े हैं जवाब देने के लिए। हां जी रमनीक। यस मैम, स्थानीय कलेक्टर शिलडी ने आदेश देकर सरदार पटेल को गिरफ्तार करवाया। उन्हें निषेधाज्ञा लागू कर उन्हें गिरफ्तार किया गया, परंतु उसके पीछे उनका निजी बदला लेने की भावना थी, क्योंकि पिछले आंदोलन में उसे अहमदाबाद से भगा दिया गया था और वह बदला लेने के दाव पर था। ओके, किस कारण से प्रेरित होकर स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार किया था?
स्थानीय कलेक्टर शिलिडी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, क्योंकि पिछले आंदोलन में पटेल ने उसे वहां से भगा दिया था। ओके, स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को अपने निजी अपमान का बदला लेने के लिए गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, क्योंकि पिछले आंदोलन में सरदार पटेल ने उसे वहां से भगा दिया था। हाँ जी रमनी, आंसर ही देना। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? वत्सल आप बताएंगे बेटा मुझे इसका आंसर। जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? बताइए बेटा। ब्रिजेश, ब्रिजेश आंसर बताएंगे बेटा, जज को अपना फैसला लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? आर्यन, गगनदीप, लीजा, कीर्तिमा, यस मैम। हाँ जी लीजा बताइए। सरदार पटेल को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में आरोपी बनाया गया था। वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब जज महोदय दुविधा में पड़ गए। उनके सामने कोई स्पष्ट कानून नहीं था, ना कोई स्पष्ट स्थितियां थी, इसलिए उन्हें 8 पंक्तियां का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का समय। ओके, पटेल को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया था, तभी निषेधाज्ञा लागू की गई थी और उसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार पटेल की कोई गलती नहीं थी। जज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत और कितनी सजा उन्हें दी जानी चाहिए, इसीलिए उसे अपना 8 लाइनों का फैसला लिखने में 1.5 घंटा लग गया। हाँ जी रमनी, ओके, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्गत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आपने बस ये बताना है कि इसका क्या मतलब है, ये उन्होंने कब कहा था और इसका क्या मतलब है। मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। हाँ जी लीजा। यस मैम। सरदार पटेल की निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निषेधाज्ञा उसी समय लागू की गई थी, अर्थात उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार ना कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। इस सत्य को करते हुए पटेल ने गांधी को कहा, मैं जेल में चलता हूं, अब सरकार आपको भी जेल में बंद करेगी, तैयार रहिए। लीजा, आप ये आंसर कहाँ से देखकर बोल रही हैं? नेट से या किसी हेल्प बुक से? क्योंकि ये मैंने समझाया ही नहीं, ये आंसर गलत है। नेट में ही आंसर लिखा हुआ है और ये गलत है। अपने आंसर खुद बताइए, खुद बनाइए। जितने मैं आप लोगों से जितनी डिस्कशन करती हूँ उसके आधार पर बेटा मुझे आंसर्स बताइए प्लीज, इधर उधर से देखकर नहीं।
I won't appreciate it. हाँ जी अर्शप्रीत। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 3 महीने की जेल हो गई थी, इसलिए उन्हें बोरसब की साबरमती जेल में लाया गया था। रास्ते में आश्रम था। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है अर्शप्रीत। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि इररेलेवेंट मत लिखो बेटा, जितना पूछा है उतना लिखो। इसका आंसर सीधा सीधा लिखोगे जब निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में या निषेधाज्ञा ना मानने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने की सजा दे दी गई। उस समय उन्होंने गांधी जी से एक छोटी सी मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं अब जेल में जा रहा हूं और जो सत्याग्रह हमने शुरू किया है, जो आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं, उसकी जिम्मेदारी अब आप पर और बाकी आश्रम वासियों पर है। या आप ये लिखिए कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर सजा दे दी गई, तब उनकी एक छोटी सी मुलाकात गांधी और बाकी आश्रम वासियों के साथ हुई। उस समय उन्होंने उनसे कहा कि मैं अब जेल में जा रहा हूं और जो आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी अब आप लोगों पर है। दैट्स इट बेटा। हम मैं आपको पहले भी पिछली बार जो जिस चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए थे तब भी कहा था कि इररेलेवेंट मत लिखो, एक तो उसके मार्क्स कटते हैं, दूसरा उसमें टाइम वेस्ट होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे, गांधी जी ने ये किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे, गांधी जी ने किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? संदर्भ में मतलब कब ये बात उन्होंने कही थी, क्यों कही थी, किसके लिए कही थी और कब कही थी। संदर्भ मतलब वो क्या कौन उसका क्या सीन था उस समय। रेज योर हैंड्स। नो वन। ओके, गांधी जी ने यह बात उस समय कही जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, दांडी मार्च शुरू करने वाले थे और बड़े बड़े रियासतदार, बड़े बड़े रियासतदार और दरबार लोग, रियासतदार और दरबार लोग अपनी रियासतें छोड़कर और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए आ गए थे। तो गांधी जी ने बाकी देशवासियों से कहा था कि उनकी इस हिम्मत और उनके इस त्याग से हमें सीखना चाहिए। जिस तरह उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरी है, हमें भी देशभक्ति की भावना अपने मन में ले आनी चाहिए। क्लियर? ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी, जब हमने चैप्टर पढ़ा है तब भी हमने डिस्कशन की थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ द्वारा ये कैसे सिद्ध होता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनना। पाठ द्वारा ये कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन स्थिति हो उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? आपने पाठ पढ़ा, पाठ के आधार पर ये बताइए, पाठ के पाठ से ये कैसे सिद्ध होता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालिक मतलब उसी समय सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? क्या आंसर लिखेंगे इसका हम? एनीबडी? नो? कौन सी सबसे मुश्किल घड़ी थी जब दांडी मार्च किया, कौन सी सबसे मुश्किल घड़ी थी? रेज योर हैंड। मेरी आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? ओके,
कौन सी सबसे कठिन परिस्थिति थी इस दौरान? हाँ जी वाह मैम, जब पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने लास्ट में जब चैप्टर खत्म किया तब हमने एक लाइन यहाँ पर पढ़ी थी कि शायद उन्हें पता था कि यह सबसे कठिन समय है, पूरे आंदोलन का यह सबसे कठिन समय था, हमने ये पढ़ा था। सारे आंदोलन का शायद यह सबसे कठिन समय था। कौन सा? जब नदी पार करनी थी, रात के समय जब नदी पार करनी थी वो सबसे कठिन समय था। क्वेश्चन है कि पाठ के माध्यम से यह सिद्ध करें कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। आप पहले की लाइन एज इट इज उठा लेंगे क्वेश्चन की कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जाए तो कोई भी कठिन काम आसान हो सकता है। जैसे जब गांधी जी को रात के समय मही नदी पार करनी थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, उस समय नदी पार करना बहुत ही मुश्किल काम था और वहां पर हजारों की संख्या में लोग दिए लेकर खड़े हो गए, असंख्य दिए जल उठे थे और नदी पार करना आसान हो गया था, इसीलिए कहा है कि मिलजुल कर परिस्थिति का सामना किया जाए तो परिस्थितियां आसान हो जाती हैं। ये इस पाठ का निचोड़ है। यदि आपको प्रश्न आ जाए कि दिए जल उठे शीर्षक क्यों है या दिए जल उठे शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करे, यानी कि टाइटल इज एप्रोप्रिएट और नॉट, तो आप क्या लिखेंगे? शीर्षक बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब गांधी जी को दांडी मार्च करना था और रात के समय मही नदी पार करनी थी, अंधेरा ज्यादा होने के कारण नदी पार करना बहुत ही मुश्किल काम था, उस समय हजारों की संख्या में लोग दिए लेकर आ गए और असंख्य दिए जल उठे जिससे नदी पार करना बहुत ही आसान हो गया, इसलिए पाठ का नाम दिए जल उठे सार्थक है। या क्वेश्चन को मोल्ड करके आपको बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो किस तरह से उससे निपटा जाना चाहिए, तो आप यही आंसर लिखेंगे। इज इट क्लियर? पाठ का नाम दिए जल उठे क्यों रखा गया है तब भी यही आंसर लिखेंगे क्योंकि ये कहानी दियों के आसपास घूमती है कि किस तरह से उस समय लोगों ने उनकी मदद की थी और दिए जल उठे थे। यह सबसे मुश्किल समय था, पूरे आंदोलन का सबसे कठिन समय नदी पार करना था और उस कठिन परिस्थिति में सब लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर गांधी जी को नदी पार करवाई थी, असंख्य दिए जल उठे थे। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? शोमित थाम भी फिट इज क्लियर? बाकी सब कहाँ हैं? वत्सल, लीजा, ब्रिजेश, हावेश, ओके फाइन। चलिए आप लोग, ये जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पांच क्वेश्चन, पहले ये अपनी कॉपी में आज आप लोग लिखेंगे, ओके? जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं नाइन्थ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रही हूं अभी। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े थे?
गांधी जी तो पार उतर गए थे, लेकिन अभी भी लोग नदी के तट पर क्यों खड़े थे? गांधी जी के पार उतर जाने के बाद भी लोग दिए लेकर नदी के तट पर इसलिए खड़े थे क्योंकि बाकी सत्याग्रही अभी चले आ रहे थे और उन्हें भी नदी पार करवानी थी। गांधी जी के नदी पार कर लेने के बाद भी लोग नदी के तट पर खड़े थे क्योंकि अभी बाकी सत्याग्रही पीछे चलते आ रहे थे और उन्हें भी नदी पार करवानी थी। उनकी सहायता के लिए अभी भी लोग नदी पर खड़े थे। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके फाइन, थैंक यू। अब ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे इन क्वेश्चंस को, राइट? और जो क्वेश्चंस रह गए हैं, दो तीन क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।